एक बंदर वाले कहानी भी है, सुनी होगा, सुनाई हमने कई बार पढ़ी भी होगी कि पेट बच रहा बंदर को, पांच भाई नीचे टांग खींचने लग जाते हैं, तो पांच भाई अगर टांग खींचने लग जाएंगे तो वीरेंद्र कौशिक का फैसला क्या होगा? महिला शक्ति बॉडी गार्ड का काम करेगी, कुर्सी बिठाओ बने बात है। कुलदीप जी का मन भी बन रहा है और कुलदीप जी आजकल तूफानी दौर पे, और कुलदीप जी आप दाएं बाएं हाथ रहे हो, कुलदीप जी आपके दाएं बाएं हाथ रहे हैं, तो मन तो नहीं टकमगा हुआ। और हम ये जो तूफानी दौरे कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा यहाँ से जीते आराम से। वीरेंद्र कौशिक की भाजपा के अंदर चुनाव लड़ेगा या सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगा, या वास्तविकता में जो आज समाज की वार्डो की आवाज बनी हुई उसके ऊपर आधार पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि आपने तो तूफानी दौरा है पता। नमस्कार, मैं अजय, और बात वाय है जो होनी चाहिए जो सार्थक है। अब सार्थक किस तरह से है कि नगर परिषद चुनाव के लिए तैयारी हो चुकी, और वो ही प्रोग्राम है जो मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताते आने लग रहा हूँ। तो उसके अंदर भाजपा से काफ़ी चेहरे महिला चारों ग्रुप में, दिग्गज चारों ग्रुप में अपने पाँव पसार रहे और दिखा रहे कि हम हैं, कैंडिडेट भी हैं और टिकटार्थी भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई बार हैं, कई लोग हैं वो नहीं बोल पाते, कई बार कैमरा लगा के नहीं आ पाते, लेकिन उसी के अंदर भाजपा की श्रेणी के अंदर एक नाम ऐसा वीरेंद्र कौशिक है, नाम भी, कद भी, पद भी, और हर तरह से सक्षम परिवार। तो वीरेंद्र कौशिक की वाइफ पुष्पा कौशिक, वो जिस दिन लक्की ड्रा है वो घरने को बैठे हैं, यानी कदे खड़ा है, कदे खड़ा है, कदे खड़ा है। नमस्कार, आप लोगों ने तूफानी दौरे शुरू कर रखे हैं, थोड़ा तूफानी दौरे का महत्व समझाया, क्योंकि लक्की जो ड्रा था वो भी कैंसिल हो चुका था, फिर बाद में सरकार के प्रशासन का एक आदेश आया कि वही ड्रा रहेगा, वही सिस्टम रहेगा, थोड़ा बताएं फिर क्या ये सिस्टम था, थोड़ा बताएं। देखिए, जब ड्रा निकला था उस ड्रा में था कि भाई ये चेयरमैन की सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी गई थी, तो हमने उसी दिन अपने साथियों से बातचीत करके मन बना लिया था, और पुष्पा जी से उनका मन था कि भाई वो चुनाव लड़ने की इच्छुक भी है, और उनके उन्होंने तैयारी अपनी शुरू कर दी थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए ऊपर। और हमने जो लोगों का स्नेह और जो प्यार जिस प्रकार से मिल रहा है, हम जिस भी वार्ड के अंदर जाते हैं, जिस भी मोहल्ले के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अच्छी गैदरिंग में लोग स्वागत करते हैं, और उन लोगों का सहयोग और समर्थन हमें भरपूर मिल रहा है। आप तो कहने ठीक हो नहीं हो, आप तो आए दिन सोशल मीडिया पर पुष्पा कौशिक वहाँ पहुँच रही, आज पुष्पा कौशिक उस वार्ड में है, आज उस वार्ड में है, तो बीच में मन भी बदला कई लोगों का, डगमगाया भी कि लक्की ड्रा कैंसिल हो गया, क्या होगा, लेकिन आपका जो एक स्तंभ था आपके रूप में था, आपके स्वरूप में था, वो नहीं डिगया, वो आपने कार्रवाई करते रहे। आप हाँ, वो जब ये अधिसूचना जारी हुई थी कि भाई अब ड्रा फिर से होगा, फिर से होगा, तो लोग हमसे भी पूछने लगे जी क्या होगा, तो हमने यही कहा था जो पुष्पा कौशिक अभी मैदान में है तो मैदान में रहेगी, अगर मेरा तो ऐसा भी मानना था अगर इस सीट को ओपन कर दिया जाता और ये जेंट्स के लिए हो जाती या महिला के लिए, दोनों के लिए ओपन हो जाती, तो भी हमारी दावेदार पुष्पा कौशिक ही रहती। बड़े भाई साहब, एक सवाल बड़ा स्टिक है और शहर की आज इच्छा भी है बुझने की, तो क्या आप वीरेंद्र कौशिक की भाजपा के अंदर चुनाव लड़ेगा या सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगा, या वास्तविकता में जो आज समाज की वार्डो की आवाज़ बनी हुई उसके ऊपर आधार पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि आपने तो तूफानी दौरा है पता, आप लोग तूफानी दौरा कर तो दिए, बाई चांस भाजपा टिकट ना दे तो क्या होगा, थोड़ा बताएं, खुल के बताएं। देखिए, हम भाजपा के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखो राजनीतिक लोग हैं हम, तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है, सिपाही तो और भी मतलब हाँ, और सिपाही और भी हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है, लेकिन हम भाजपा से बाहर नहीं जाएंगे। भाजपा अगर ये कहेगी भाई सिंबल पे चुनाव आपको लड़ना है तो हम लड़ेंगे, और हम ये जो तूफानी दौरे कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाजपा यहाँ से जीते आराम से। भाजपा की जीत निश्चित है, लेकिन वो काफ़ी मार्जिन से जीते, ऐसा कोई संशय का चुनाव न बने कि जिसके अंदर हमारी कोई फाइट हो, हमें ऐसा लगे कि हम धरातल पे काफ़ी मजबूत हैं, और भाजपा अगर हमें मौका देती है, पुष्पा कौशिक को मौका देती है, तो वो काफ़ी मतों से विजयी हो, मेरा ऐसा मानना है, इसलिए हम धरातल पे लगातार काम कर रहे हैं, और भाजपा से अलग होकर हमारा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। तो एक बंदर वाले कहानी भी है, सुनी होगा, सुनाई हमने कई बार पढ़ी भी होगी कि पेट बच रहा बंदर को, पांच भाई नीचे टांग खींचने लग जाते हैं, तो पांच भाई अगर टांग खींचने लग जाएंगे तो वीरेंद्र कौशिक का फैसला क्या होगा? आगे जी, क्या फैसला क्या होगा? आज भाजपा भाजपा दिखने लगी है, आप लोगों के अंदर जा रहे लोग आपको टटोल रहे, आप लोगों को टटोल रहे, लेकिन वास्तविकता में अगर ये ऊट किसी और कब ले लिया भाजपा, तो वीरेंद्र कौशिक का मन क्या रहेगा, क्योंकि मैं तो चला था आप कहने लग रहे हो, बीस तो आप बोलने लग रहे हो भाजपा के लिए। देखिए, जो पार्टी को ठीक लगेगा, और पार्टी को मेरे हिसाब से हमारा संगठन बड़ा मजबूत संगठन है,
और भारतीय जनता पार्टी का वो एक होके चलता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का संदेश हमें देगी, जिस प्रकार से वो चाहेगी कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो ठीक है, अगर वो कहेंगे कि भाई आप लोगों को इसकी मदद करनी है तो हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं। तो एक सिस्टम और चल पड़ा हरियाणा के अंदर भी, अब कोई कॉलेज के स्टूडेंट को हो, आपके जो कन्हैया के रूप में कहें, अला आपके आशी के मेहता जी थे, विनोद मेहता जी, उन्होंने भी कल छोड़ के, जो पार्टी में थे वो छोड़ के आज कांग्रेस में आ चुके, तो क्या कहेंगे? कुलदीप जी का मन भी बन रहा है, और कुलदीप जी आजकल तूफानी दौर पर, और कुलदीप जी आप दाएं बाएं हाथ रहे हो, कुलदीप जी आपके दाएं बाएं हाथ रहे हैं, तो मन तो नहीं डगमगा हुआ? ना ना ना, हमारा कोई मन डगमगाने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आकर हमें ये महसूस हुआ था कि पार्टी इसको कहते हैं कि जिसकी कोई नीति होती है, जिसके कोई विचार होते हैं। एक राज को पाने के लिए सिर्फ राजनीति करना एक विचार नहीं होता। ये पार्टी ऐसी है जिसका विचार है कि देश का स्वाभिमान, देश की संस्कृति, और देश इस दुनिया के पटल पर किस प्रकार से ऊपर उठ जाए, और देश हमारा स्वाभिमान है किस प्रकार से जिंदा हो, ये देश के लिए लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन लड़ना वो काम जब ही कर सकते हैं जब राज में आएंगे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी राज में आकर वो करके दिखाने लग रही है। तो ये पार्टी के अंदर आकर हमें गर्व महसूस है कि हम इस पार्टी के सिपाही हैं, और इस पार्टी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, आजीवन इसके सदस्य रहेंगे। कुलदीप जी का फोन आया नहीं आया इस बीच में दौरान? आया होगा, आया होगा। नहीं, तैयारी भी कर रहे हो और चेहरे भी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरा उनसे अभी कोई संपर्क नहीं है। 2014 में इसके बाद से कोई संपर्क मेरा उनसे है नहीं। तो क्या भविष्य में ऐसा संपर्क आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं आएगा। हमने मैं बता दिया आपको, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम भारतीय जनता पार्टी। भाजपा से लोग नाराज भी हैं, चाहे कॉलोनी की व्यवस्था की बात करिए, महिलाओं ने बताया कि हमारे गलियों में गली भी खराब है, कूड़ा भी उठाने वाले नहीं आते। तो किस प्रकार से आप भाजपा का मनोबल बढ़ा पाएंगे, किस तरह से भाजपा अगर आप बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आज तो कहीं ना कहीं आपको भला बुरा भी करने लगे लोग तो? नहीं देखो, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो सरकार काम करती है उस काम में जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो सारे व्यक्ति ही हैं। सरकार तो अपनी नीति बताती है कि भाई हमने आपको बीपीएल कार्ड की सुविधा दे दी, अब उस बीपीएल कार्ड में कोई गड़बड़ी कर देता है बनाने वाला, तो वो उस व्यक्ति की कमी है, तो वो उसको उलाना हमें मिलता है कि भाई हम सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार हमारी पार्टी की सरकार है, तो हम ये भी बताते हैं लोगों को कि आप ये भी तो देखो कि सरकार ने आपके लिए क्या क्या नीति बनाई। आपने 2.5 लाख रुपये का प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आपके घर बना के देंगे, अब उसमें कमियाँ निकाल दी कि भाई मकान में पास नहीं हो रहे सर, हाँ, लोगों के पेंडिंग है, एक के पहले वो आपने बता दी, वो कमी निकाल दी। लेकिन आप ये भी तो देखो कि 80% लोगों के उसका पैसा मिल गया, उसके लोगों के घर बन गए, तो वो कितनी बड़ी बात है। चाहे वो 80 नहीं, एक का बना हो, तो एक का भी तो भला किया ना भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अगर 20 का नहीं बन पाया, ये कैसा भला सर वीरेंद्र जी, आप कैसी बातें करें? मकान फुड़वा दो, गरीब आदमी रोड पर ले आओ, और फिर उसके एक किस्त ना दो, वो देने के लिए उसको 20 धक्के खाए जाए सर? नहीं नहीं, आपके आगे मामले ऐसे आए होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कई बार क्या होता है, किसी के सर्कमस्टांसिस हर आदमी के अलग अलग होते हैं, किसी के प्लॉट के साइज़ का मामला है, किसी का रेगुलेटर का मामला है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। कि ऐसा कुछ नहीं है कि जब आपकी फ़ोटो हो गई आपकी सारी चीज़ें होंगी, समय के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती है कि किसी अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है समाज में, उसका उदय किस प्रकार से, उसकी मंशा के तहत ही सारे काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी फैमिली आईडी वेरिफिकेशन करवाना लग रहे हैं इनकम की, ये एक बहुत बड़ा देश के अंदर काम होगा, हरियाणा से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर 1 लाख परिवार ऐसे छाटे जाएंगे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से नीचे है, और उनको मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि उनकी आय 1 साल के अंदर 1,80,000 करेगी सरकार, जो गरीब आदमी है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिनको शायद हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमारा भी अगर कहीं रसूख होगा तो पता नहीं हमारे लेवल के होगा, हमारे थोड़ा नीचा होगा, लेकिन वो बिल्कुल गरीब परिवार होंगे, उन गरीब परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसका पार्टी का सिर्फ एक मन है कि भाई ये किस प्रकार से उठ गए और उनको 1,80,000 किस प्रकार से इनकम की जाए, वो मुख्यमंत्री जल्दी उसकी घोषणा करेंगे। मैं उसका जो सोशल जो हमारी टीम होती है, हम वेरी जो लोग देखते हैं कि भाई ये, और उसी के आधार पर ही पैमाना सेट होगा कि जो सरकारी योजनाएं आगे आने वाले समय में वो सभी उसी स्लैब पे दी जाएंगी फैमिली आईडी के ऊपर, कि आपकी इनकम कितनी है, आपको सेट कर दिया जाएगा कि आपके परिवार की ये इनकम है, तो जब भी कोई सरकारी योजना आएगी तो आपको तुरंत आपके अकाउंट पे उसका लाभ। तो कितने वार्डों का दौरा कर चुके और क्या क्या समस्या आप डायरी बना के लिख चुके कि ये समस्या वास्तव में आम आदमी के लिए दूर होनी चाहिए? देखो समस्याएं तो जहाँ हम जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ मिलती हैं, कोई किसी को पानी की व्यवस्था की मिल जाती है, किसी का भी पानी नहीं नलके की व्यवस्था पहुँच रही, कहीं पर सीवरेज की व्यवस्था मिल जाती है, तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसके अधिकारी से हम उसी वक्त वहाँ पर बात भी करते हैं और उनसे सहयोग भी मांगते हैं कि आप लोग इसको तुरंत करें, और वो करते भी हैं ऐसा, क्योंकि हर चीज़ के बारे में जागरूकता
अपने समाज के अंदर, अपनी जनता के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग उस जो चीज़ ख़राब है यहाँ पे, तो जब लीडर आता है जब उसको बोलते हैं, वैसे वो बोल नहीं पाते कि वो काम कहाँ से होगा। तो उसको हम तो मैसेंजर होते हैं उसके कि भाई ये काम यहाँ से होगा, उसको तुरंत फ़ोन करके बताते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे काम कीजिए, और वो कर देते हैं। और उन उस प्रशासनिक अधिकारी को भी कई बार उन कामों का पता नहीं होता कि वहाँ पर ऐसी ऐसी ज़रूरत है। चलो मैम, किसने तक थपकी मार रखी है, किसने क्या रखी है, तैयारी टिकट पक्की है, तुम तैयारी कर लो, खुल के बताओ, महिला झूठ नहीं बोलती। देखिए जी, थपकी किसी ने नहीं लगा रखी अभी तक। हमारी मन की सोच है ये भाई, महिला आगे आएगी, जनता की सेवा करने का मौका मिला है तो हम जनता की सेवा करेंगे। आप बैठो ना, कहते बच्चे कुर्सी बैठाओ, बने बच्चे नहीं जी, बुझ घंटे सारे बुझ लो, आपका दीदी आशीर्वाद माते, लेकिन माते कभी कुर्सी संभाल के, ये कुर्सी बैठी है, बैठे वो बैठा है, हम साथ बैठेंगे, हम बॉडीगार्ड है इसके, हम साथ बैठेंगे। महिला शक्ति बॉडीगार्ड का काम करेगी। अच्छा, जो जो बात बताई है आज शहर के व्यवस्था की बात हो रही, तो लोगों के अंदर एक नाराजगी भी है, वो किस प्रकार से वीरेंद्र कौशिक के परिवार के रूप में, पुष्पा कौशिक के रूप में किस प्रकार से दूर की जा सकती है, और क्या प्लान होना चाहिए? देखो, नाराजगी तो होती है हर किसी को, लेकिन वीरेंद्र कौशिक के प्रति किसी की नाराजगी शहर में नहीं मिलेगी। 20 साल से देख रहे हैं, काम चाहे हो या ना हो, इसके पास चले गए तो उठ के चला और अगले का काम करवाने की कोशिश करी। पेटा भर दे है? हाँ, पेटा भर दे है, तो माते पेटा भर दिया है, दो मकान और है। अच्छा, दो मकान है, पड़ोसी बन गए। तो चलो, लोगों के अंदर जा रहे, लोगों की भावना क्या बोल रही है, आपके प्रति कहे अगर अपने कॉलोनी की बात की जाए तो क्या व्यवस्था देख रहे हैं आज के दिन आप जा रहे हैं? पूरा सहयोग मिल रहा है जी, और आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी कामना पूरी हो जी। आंटी, वोट वोट मांगना होगी, कर भी हैं? करेंगे, कि मैं बनाएंगे, जिद करेंगे। आगे जिद किम काम बनेगा तो लग है सही, फिट फोर है, जम्मा सही, हाँ जम्मा सही करवा देगी, मेरे गोड्डा का करवा देगी, गोड्डा में दर्द है, डॉक्टर तो को नहीं, डॉक्टर तो लेगी ना फिर। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी की बात की जाए तो क्या क्या व्यवस्था खराब है, किस किस प्रकार की व्यवस्था जरूरत है कॉलोनी के अंदर, बताएं थोड़ा। सीवर पानी भाई, इनके तो गड्ढे खराब हो रहे हैं, आपकी व्यवस्था गली बता दो। हमारे तो गड्ढे तो ठीक है, नौकरी लगवा दो बस, बाकी सारी चीजें मौज है, सारी चीजें की मौज है, छोरा नौकरी लग जाएगा जी, सारी मौज नहीं, आप इतने नहीं तो गोड्डे नहीं दुखेंगे, गोड्डे दुखेंगे, गोड्डे दुखे बड़ा पवे रहा गे गेला आटा को नहीं दूर गेल रहा, हां साथ देंगे पूरा गेल रहोगे। तो ये बात तो कहनी पड़ेगी, बहुत बैठे भी करने को बैठे हैं, मैं भी डॉग रहता हूं, बन दौर पे हां तो वो बेटा गल्ले हां नींद बना के है, नींद बना कुछ को नींद तक अल्लाह, वो डाले संभाल ले। हां नमस्ते। ये नाम आंटी जी? सुमित्रा शर्मा। सुमित्रा जी, बताओ आपकी गली की मोहल्ले की क्या व्यवस्था है? मारी गली मोर तो सब क्या की मौज है, बस एक तो थोड़ी कमी है ना, कूड़े वाले की और ही है, साफ सफाई करन नहीं आते, तो एक तो भाजपा पार्टी थोड़ा करने आ रही है, बोल दो, बताया करो, लिखा करो कंप्लेंट, पहले आकर तो बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया, बंद क्यों कर दिया, बुझे को नहीं, मतलब उसने आना बंद कर दिया, क्यों पता नहीं, कहता है थारी सड़क फूटी पड़ी इसलिए नहीं आते। अच्छा अच्छा, रोज आना चाहिए ना, तो अभी चेयरपर्सन नहीं बनेगी तो थारी सड़क भी नहीं बनेगी है? हाँ, सड़क नहीं, सड़क तो बने रही है नहीं, और क्या लग है, खरी उतरेगी, इस तरह वोट मांगना आवे है उस तरह खरी भी उतरेगी, उतरेगी पक्की बात है। चलो दिखाएंगे बुझुआ खरी कैसे उतरेगी वीरेंद्र कौशिक से। ये पार्टी के प्रति सार्थकता है किसी नेता की, को किसी कार्यकर्ता की, को कि इतनी निष्ठा अपने पार्टी के प्रति कि पार्टी के अंदर ही रह के काम किया जाएगा और पार्टी के साथ चल के पार्टी का एक पौधा दोबारा से बोया जाएगा नगर परिषद चेयरपर्सन की सीट के लिए, चाहे वो पुष्पा कौशिक के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य चेहरे के रूप में हो, लेकिन कार्यकर्ता हो, अगर कार्यकर्ता हो तो ऐसे हो जाकि पार्टी को कभी सूखने न दे। जे एन सी न्यूज से अजनक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट, डीसी कॉलोनी से।